तो दोस्तों यहाँ पे रही हमारी भैंस जिसने की पूरी गंदगी कर रखी है, पूरी गंदगी। फिर आप लोग बोलते हो कि नए नए कपड़े क्यों नहीं पहनते, इसीलिए नहीं पहनते क्योंकि ये गोबर निकालना होता है हम लोगों को। फिलहाल मैं आज पहली बार अपनी भैंस को निकाल रही हूँ क्योंकि ज्यादातर दादाजी निकालते थे मेरे, और आज मैं प्रयास करती हूँ, देखती हूँ मैं इसमें सफल होती हूँ कि नहीं। रुक जा, देखो कैसे निकालते हैं, आप भी सीखे। चल निकालना होता है। बहुत उस खुंडिया भैंसा है यह हमारा, किसी को चाहिए होगा तो खरीदने के लिए प्लीज जल्दी आए उसको लेके जाए क्योंकि बहुत ज्यादा मैं इसको नहीं निकाल पाती हूँ। और देखिए आप दादाजी किस प्रकार से निकालते हैं भैंस को, देखिए दोस्तों बहुत देखे हैं, ऐसे करना पड़ता है। अभी देखो पूरा निकालेंगे उसको बाहर, आज इसमें ना पूरी गंदगी लगा रखी है आगे पे, और थोड़ा सा इसमें ना संभल के करना पड़ता है क्योंकि अगर इसने एक ऐसे धड़ाक मार दी तो ऐसा हो जाएगा इंसान। तो फिर वेट कीजिए थोड़ा सा, ये देखिए खुल चुका है और अभी ऐसे भागेगा। अब देखो मैं बांधती हूँ उसको, चल रुक। परसों मैंने आप सभी लोगों के साथ एक वीडियो को शेयर किया था जिसमें कि मैंने बोला था कि मैं अपनी भैंस को बाहर निकालने में असफल हो गई थी और बहुत सारा नेगेटिव कमेंट आए हुए थे मेरी वीडियोस में, बट उन्हीं नेगेटिव कमेंट्सों से मोटिवेट होकर आज मैं फिर प्रयास करने वाली हूँ अपनी भैंस को बाहर निकालने का। देखते हैं इस प्रयास में मैं इस बार सफल हो पाती हूँ या नहीं, फिर उसके बाद बताऊंगी कि कमेंट क्या क्या आए हुए थे। पहले एक मुट्ठी घास मैं इसके मुंह पे डाल देती हूँ ताकि अपने इंसान से हिले नहीं, और इसने बहुत ज्यादा कीचड़ करा हुआ है, तो ये कमेंट भी आया होता है कि कितनी गंदगी है आपके भैंस के नीचे। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि भैंस है तो गंदगी भी होगी। अरे अरे चलो चल 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 चल। तो आज देखते हैं मैं निकाल पाती हूँ भैंस को या नहीं। रुक, तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है बट मैं प्रयास पूरा करूंगी अपना। बहुत ही ज्यादा टाइट हो रखा है इसका, ये रुक जा। तो दोस्तों देखते हैं मैं प्रयास को पूरा कर रही हूँ अपनी तरफ से। तो दोस्तों फाइनली आज हमने विजय प्राप्त कर ली है भैंस को बाहर निकालने में। आप सभी लोग कह रहे थे मेरे बस का नहीं है नहीं है, उन्हीं नेगेटिव कमेंट से मोटिवेट होकर मैंने फाइनली यहाँ पे अपनी भैंस को निकाल दिया है। और रही बात इसके नीचे गंदगी की, तो वो हम डेली साफ करते हैं बट भैंस है तो वो गंदा कर देता है फिर से, ऐसा नहीं है कि हम साफ नहीं करते। और कई लोग कह रहे थे कि अपनी भैंस को नहलाया करो, तो इसको भी नहलाया भी जाता है बट वो भैंस है फिर से ऑब्वियस सी बात है गंदा करेगा ही। तो थैंक यू दोस्तों ऐसे नेगेटिव कमेंट करने के लिए जिससे हम मोटिवेट हुए और मैंने फाइनली प्रयास किया और मैं इस प्रयास में सफल रही, धन्यवाद। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे थे कि हमारे भैंस है वो गंदगी करती है, हम सफाई नहीं करते, बट ऐसा नहीं है, डेली सफाई होती है बट भैंस क्या है फिर भी गंदा कर देता है। और कई लोगों मेरे परसों वीडियो में कमेंट करा हुआ था कि आपकी बस का नहीं है भैंस बकरी पालना, ऐसा नहीं है, मतलब वैसे हमने मायके से ऐसा कुछ काम करा नहीं, हमारे इधर गाय होती है भैंस बकरियां नहीं होती हैं, यहाँ है। और प्रयास लगातार हम लोग कर रहे हैं कि मुझे काम आ जाए,
और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि गोबर किस प्रकार से निकाला जाता है। वैसे तो खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है ये, बट फिर भी कई लोगों को लगता है कि हम शायद ये काम नहीं करते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार से गोबर होता है, और अब कई लोगों को घिन आएगी, बट इसमें घिनाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब हम दूध पी सकते हैं, गाय भैंस का घी खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, तो गोबर तो निकालना ही पड़ेगा। और बहुत ही ज्यादा कीचड़ कर देता है भैंस, इसी वजह से थोड़ा सा मेरे को भी वैसा होता है अजीब सा। गाय में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, भैंस को ज्यादा ही गंदगी कर देती है। आगे देखो जो बड़ा बड़ा वैसा होगा गर्दा होगा तो उसको तो हम हाथ से ही उठा देंगे, अब बाकी झाड़ू लगाकर करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से करना होता है ये काम। भत्त भत्त भता तो ऐसे। तो यहाँ पे गोबर तो निकल चुका है, अब रही कीचड़ की बारी, तो कीचड़ को हम लोग झाड़ू से साफ करेंगे। तो यहाँ पे ये गोबर एकदम क्लीन हो चुका है, अभी मैं इसको ना झाड़ू लगाकर रीड एंड क्लीन कर देती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। जो ये गोबर हम लोग बताओ कहाँ डालते हैं, इधर आ जाइए मैं दिखाती हूँ। यहाँ नीचे है हमारी मलबसी, जहाँ की हम गोबर डालते हैं वहाँ डालना होता है इस गोबर को। हट, तो यहाँ डाल दिया है इसको, बंद कर दिया। तो ये रहा हमारा झाड़ू और इससे साफ करेंगे हम लोग इसको। चल बंद कर दिया। छान्यो मां करूं डेरू, घर बार त्यागू चा, निहुनी त्यारे बाना, खड़ोनी त्यारे खातिर।